एक बार का किस्सा है। कहीं दूर पहाड़ों पर एक औरत और उसका शोहर रहती थी। औरत बहुत ज्यादा दीनदार थी, लेकिन उसके शोहर को अल्लाह पर इतना यकीन नहीं था। बीवी जब भी अल्लाह या उसके रसूल का जिक्र करती तो शोहर उसे डांट देता। घर के हालात भी कुछ इतने अच्छे न थे, शायद इसीलिए शोहर हमेशा नाशुक्री करता रहता। एक शाम घर में खाना न होने के बराबर था, महज एक ही रोटी बन सकी। औरत ने सोचा कि आधी रोटी उसका शोहर खा लेगा और आधी वो खा लेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर का दरवाजा बजा। औरत ने जब दरवाजा खोला तो उसने बहुत लाचार, मजबूर और भूखा भिखारी देखा। औरत को उस पर बहुत रहम आया और उसने अल्लाह के भरोसे घर में जो एक ही रोटी थी वो उस भिखारी को दे दी, इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। जब रात का वक्त हुआ और उसका शोहर घर आया तो उसने खाना मांगा। उस औरत ने बहुत यकीन, बहुत भरोसे और हौसले के साथ अपने शोहर को बताया, घर में जितना खाना था मैंने भिखारी को दे दिया, इस भरोसे कि अल्लाह मेरी किसी न किसी तरह जरूर मदद करेगा। शोहर ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और औरत को बुरा भला कहने लगा। लेकिन उसी वक्त एक बार फिर दरवाजा बजा। शोहर ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा एक शख्स हाथ में 18 रोटियां पकड़े खड़ा था। उस शख्स ने कहा, फला शख्स ने आज न्याज किया था तो ये आपके हिस्से का न्याज है। शोहर ये देखकर बहुत हैरान हुआ और शायद परेशान था। वो ये रोटियां लेकर अंदर गया। जब उस औरत ने ये रोटियां देखी तो उसने फौरन कहा, इसमें दो रोटियां कम है। शोहर ये सुनकर मजीद परेशान और हैरान हो गया, लेकिन उसने बगैर कोई सवाल पूछे दोबारा बाहर गया और शख्स से मालूम किया, इसमें दो रोटियां कम क्यों है। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने इसमें से दो रोटियां खा ली, मुझे माफ करना। शोहर बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ और दोबारा अंदर चला गया। इस बार उसने अपनी बीवी से सवाल किया कि तुम्हें कैसे मालूम कि इसमें दो रोटियां कम थी। औरत ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अल्लाह ने कहा है जो मेरी राह में खर्च करेगा मैं उससे 20 गुना ज्यादा अदा करूंगा। शोहर अपनी बीवी का ये जज्बा और यकीन देखकर बहुत हैरान, बहुत परेशान हुआ और जार जार रोने लगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा, अपनी नाशुक्री की माफी मांगने लगा। दोस्तों, अल्लाह पर यकीन, उस पर भरोसा और थोड़ा सा सब्र, बस यही चीजें हैं जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकती है। लिहाजा अल्लाह पर यकीन करते रहे और सब्र करते रहे, इंशाल्लाह वो दिलों के हाल जानता है, बेशक अल्लाह सब जानता है। दोस्तों, किस तरह इस औरत की अल्लाह ने अपने गैब से मदद की, हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और उसकी राह में खर्च करते रहें। बेशक वो जो वादा करता है उसे जरूर निभाता है।